ये देखे कैसे हरामों को देख रहे हैं, वो देखे वो कैसे मुझे देख रहे हैं। हर जगह एक ही काम है, वो भी गन पिलाना। भाई चलो भाई चलो, एड्रेस को बता रहे हो ना, एड्रेस कहते हैं मैं भी लड़ लूंगा आपसे, तेरे 100 साल के बाद मिल रहे हो। आप चैनल शस डोजी को सब्सक्राइब कर, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। तो आज हमारी मिंजू की ना सही सफाई हो रही है। मैं आया था अपने ऊपर और ऊपर क्या हो रहा है, हमारे जर्मन शेफर्ड और उसके बेबी का केक साफ, उसकी सफाई हो रही है साफ साफ। और देखें वो केक साफ हो रहा है उनका, उनके पपीज भी इधर उधर भाग रहे पानी में, लगता है उनका भी बड़ा मजा आ रहा है। उन्होंने भी नहा ही लिया और आज धूप पे निकले तो ये धूप पे सेक रहे और नहा कर धूप सेक रहे तो काफी अच्छा है इनके लिए। हमारे जो जर्मन शेफर्ड के पपीज है ना, वो यहाँ इस केज में बड़े खुश हैं और मजे में फिरते रहते हैं। उनकी वॉक भी सही हो रही है यहाँ पर, और काटते या ये चाटते हैं मुझे बार बार प्याले पपी। कभी इस केज में भाग जाते हैं, कभी इस केज में फिरते रहते हैं, ये भी ना भागते छोड़ते रहते हैं, जो इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जर्मन शेफर्ड की फीमेल काफी हेल्दी हो गया, मेल तो हमने वो बहुत ढूंढता था तो हमने भेज ही दिया। ये केज हमारे मिडल में है ना, इसलिए सनलाइट आ रही है तो ये इनके लिए काफी अच्छा है। हमारे जो हाई फ्लाइंग पिजन है ना, उनके भी बच्चे आ गए हैं। अभी ना सही नजर नहीं आया क्योंकि ना फीमेल ऊपर बैठी है इनको इनक्यूबेट करने, अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते, साइड में हो जाते हैं। क्या करने लगे अपने सब हॉर्सेस को बाहर निकालेंगे, मतलब इन तीनों को इसके एक सफाई करेंगे और फिर अपने सब डियर्स को यहाँ करेंगे, फिर डियर्स की सफाई करेंगे। और तो पूरे मिनी जू की लास्ट सफाई हो रही है, जू की तो ना तंग कर रहा है, काट रहा है, पता नहीं क्यों क्रीम मिला। स्पीड पे यार, और ये वो भी कह रहा था कि देखिए मैं बाहर आ गया। और जर्मन का रिएक्शन कितना बंक रहा है, वो क्या हुआ, नाक क्यों फुला रहे हो थोड़े डोंट यार, इसको पता नहीं क्या हो गया, इतना अग्रेसिव हो रहा है, कभी भी कुछ कर देगा। देखो हमारे झूके पर वो खींच लिया अभी, पढ़ाई कर दें, पढ़ाई होने वाली होगी। बार बार देखिए बार बार भाग जाता है, इसकी जरा पढ़ाई होगी ना, एक बार ये सीधा हो जाएगा। लगता है हमारे डॉगी से डर रहा है इसलिए ऐसे कर रहा है। मोबाइल लेने के बाद लगा सीधा हो गया, अब फिट है सब कुछ। और यार डॉगी भी ना अभी केस साफ किया तो सारा पानी उड़ा रही है, सारा नीचे गंदा कर दिया इसने। अभी हमारे जूकी पर का उसने टांग मारनी थी, अभी काला लेकर आया। अब हमारे स्पेनिश की बारी है, ये बहुत शरारती है, ये तो नहीं आता। अभी हमारे स्पेनिश की बारी है, स्पेनिश आएगा और ये नुकरा तो नहीं आता भाई, ये बहुत शरारती है, ये बहुत वाइल्ड है हॉर्स। चलते ही तो हमारे पास यही हॉर्स है और ये है, पोनी भी नहीं आता। अभी हमारे स्पेनिश बाहर आ रहे हैं ना, तब देखिएगा ये कैसे आएगा, लगता है ये भी भाग कर आएगा। नहीं भाई ये तो शरीफ हॉर्स था, ये भाग कर नहीं आता, ये सबसे अच्छा हॉर्स है हमारे मिनी जू का, बगैर लगाम के सिर्फ गले के रस्सेदार के इसको लिया, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इसकी बहुत प्रॉब्लम है, ये बहुत बोलता है, चुप होना। लगता है इसको भी भागने का दिल चाह रहा है। ओए ओए मेरे पास क्यों आ रहा है, हमारे पोनी के पास जा रहा है, पोनी के साथ लगता है मीटअप कर रहा है, खेल रहा है उसके साथ। हैरत की बात है, हमारे तिब्बतन क्यों नहीं भोंग रहे भाई, क्या हुआ, तिब्बतन क्यों नहीं भोंग रहे हमारे, तिब्बतन भोंगो ना। अभी हमारा नुकरा होड़ पे नहीं कर रहा है और ये इतना कुछ शरारती है, इतना वाइल्ड है ना, ये हमारे भी काबू नहीं आता, लेकिन किसी न किसी तरह तो हम निकाल ही लेंगे इसको। अभी हमारा होश तो निकलने लगे, लेकिन ये दोनों को पता नहीं क्या हो गया,
देखा ये जो हमारे दोनों और कितना खुश हो रहे हैं बाहर, अगर वो तो इनसे ज्यादा एक्टिव हो वो कितना खुश होगा, इतने टाइम बाद बाहर आ रहे हैं ना। इन हॉर्सेस के खेत में बिल्कुल इनकी वॉक नहीं होती, लेकिन अब बाहर आ गए ना, अब इनकी वॉक रोज हम करने की कोशिश तो करेंगे। और भाई आ गया हमारा ब्लैक व्हाइट वाला हॉर्स आ गया, सबसे शरारती सबसे तेज हॉर्स। आ जाओ एक रस्सी बंधी है, एक तो रस्सी छूट गई हमारे जू कीपर से, और आईडी वो तो अंदर दोबारा भाग गया था। निकाल लिया भाई निकाल लिया। क्या कर रहे हैं, होश नहीं आ रहा काबू क्या? लेकिन इसके पाँव तो नहीं आते, लेकिन दर्द तो लगता है ना यार। लगता है हमारे व्हाइट रोज भी कह रही है मुझे भी बाहर निकाल दो, स्पाई करनी है सबसे पहले, तो ये एक टास्क है हमारा। करें भाई स्पाई करें पूरे केज, इन लोगों ने गंदा किया पूरे केज की स्पाई होगी। अभी नेक्स्ट में हमने ना फिर सब डियर्स को कर देंगे यहाँ, फिर वहाँ की स्पाई होगी, फिर डियर्स को करेंगे वहाँ, फिर हॉर्सेस को लाएंगे अंदर। तो आज का टास्क हमारा काफी लंबा है, तो आ रहा है आजो भाई आजो सारे ही आजो यार। सब डियर यहाँ आ गए, मेरे पास नहीं आना। अभी हमारे इस केज की भी सफाई हो रही है, और आज ना इतना अच्छा मौसम भी है ना, तो बाहर निकाल लिया ताकि मौसम एंजॉय करें। भाई दर बताऊं क्या, बस ये यहाँ आ सकता है, ये ले मैं इतना पास आ रहा हूँ, लेकिन इसकी दर है। आज ना हमारा पोनी बाहर नहीं आ रहा, पोनी आप रोज आते थे ना, आज इन तीनों की बारी है, आज ये आए हैं। फ्रीजन भी रोज आते थे, तो आज हम लोगों ने कहा इनका है, आज इनकी बारी बनाते हैं। भाई इन लोगों को बाहर की अंदर की सफाई करने, तो इन लोगों ने बाहर ही गंद कर दिया सारा, इनका भी क्या करे सची, इनको हर जगह एक ही काम है वो भी गंद फैलाना। तो भाई इतना गंद है इसके खेत से, आपको मैं बताऊँ ना, तो ये ना हमारे इन लोगों ने बताऊँ क्या, केज सारा अपना गीला कर लिया, तो उसके ऊपर घास डल के तो सारा गंदा हो गया था, तो ना अब ये सारा ऊपर से घास उतरेगा और मिट्टी गीली निकलेगी, नीचे ये सारा ड्राई हो जाएगा। ऐसे तो उन्होंने सर्दियों में गीले रहने से तो बीमार हो जाना था। अब हमारे जू के ऊपर गए और अब ज्यादा जल्दी जल्दी जाएंगे भैया। अभी मैं तो डर गया इसने एकदम से टांग लाई, मुझे लगा ये टांग मारने लगा। जो के बाद पीछे गए डीएस को लेने, एडेक्स वगैरह सारे वापस। भाई चलो एडेक्स को वो डरा रहे, और एडेक्स वो कहते मैं भी लड़ लूंगा आपसे, लेकिन रिवर्स गियर में आज भी गया बंदर। सारे आ गए जो के पास, तो अब आ रही है हमारे हॉर्सेस को अंदर करने की, सबसे मुश्किल काम है इसको अंदर करना। भाई हम तो बैठ रहे थे दूसरे भाई के कवर में, हिम्मत करके खुद ने इसको अंदर करने का फैसला ले लिया। ये हॉर्स में काफी अग्रेसिव है, आज हमारी किस्मत अच्छी है, कोई हॉर्स हमें तंग नहीं करना, वरना ना हमारे हॉर्सेस हमें हमारे नाक में दम करके रख देते हैं, इतना तंग करते हैं ये। देखे पूरा केज में भाग दौड़ रहा है भाई हमारे जुगे बना, ऐसे ऐसे उसकी रस्सी टाइट कर जा रहे हैं, ठीक लगाइए एक रस्सी पहले वहां बांधी, फिर दूसरी यहाँ बांधी, फिर अब ये खोल कर ये भी वहां बांधेंगे, फिर उसको भी टाइट करके कस लेंगे अच्छी तरह, आराम से हो जाएगा। अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे जर्मन शेफर्ड का भूंगना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा भूंगता है ये। देखे कैसे हैरान होकर देख रहे हैं, वो देखे वो कैसे मुझे देख रहे हैं, आराम आराम उनके साथ। तो ये हमारा हॉर्स तो शरीफ है, लेकिन बाहर निकालने के बाद इन लोगों ने गंद कितना कर दिया है। और मिल कैसे रहे हैं, तेरे 100 साल के बाद मिल रहे हो, हक कर कर अब ना हम इनको टाइट करके बांधने के लिए, ताकि ना ये फिर से लड़ ना पाए रात को। भैया अपने हमारे सारे हॉर्सेस और डियर्स वगैरह का केज हो गया टिप टॉप, तो ये बाहर के भी सफाई कर लेते हैं हम,
वैसे इनकी सेहत के लिए काफी अच्छा था कि इन लोगों को बाहर निकाल के थोड़ी सी बस वॉक तो नहीं, मतलब बाहर थोड़ा एक्टिव हो गए, और इनके केज साफ करना इनके लिए बहुत अच्छा था। लोगों करेंगे खत्म आपके लिए इतने, तो बाय बाय, टाटा, गुड बाय गर्ल्स। आपने चैनल सब्सक्राइब कर, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार।